लिए नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इन दिनों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक इस दिन 9 दिन माँ दुर्गा धरती पर निवास करती है और भक्तों की हर मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद प्रदान करती है। इन 9 दिनों में हर जगह माँ दुर्गा मौजूद रहती है, इसलिए ये समय बेहद शुभ माना जाता है और इस दौरान हर शुभ कार्य भी किए जाते हैं। बता दें कि इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 26 सितंबर से हो रही है। इस दिन लोग विधि विधान के साथ पूजा करते हैं, हवन करते हैं और साथ ही कलश बिठाते हैं और अखंड ज्योत जलाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है बिना ज्योति जलाए पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्योति अंतर मन को प्रकाशित करने का प्रतीक है। ज्योति जलाकर हम ये दर्शाते हैं कि हमारे अंदर का अंधकार दूर हो गया है। बता दें कि अखंड ज्योत नवरात्रि में जो जलती है अगर गलती से बुझ जाए तो क्या करना चाहिए। यदि आपकी अखंड ज्योति बुझ जाए तो उसी बाती से लेकर इसे ना जलाएं, क्योंकि ये खंडित मानी जाती है। इसलिए जलते दीपक में दूसरी बाती जोड़े, इससे ये खंडित नहीं मानी जाएगी। अगर आपकी ज्योति की लौ कम है तो पहले आप अखंड ज्योत से पहले एक दीपक जला लें और उसके बाद ही अखंड ज्योत को ठीक करें, जिससे यदि आपकी अखंड ज्योत बुझ भी जाएगी तो वो खंडित नहीं होगी। इसके बाद जब नवमी तिथि पर कन्या पूजन के दौरान भी अखंड ज्योत को जलने दें और उसे खुद से ना बुझाएं, इस अखंड ज्योत को स्वयं ही बुझने दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और गोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।